हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स गुरुजी यूट्यूब चैनल। इंडियन प्रीमियर लीग 2019 में आज खेला जाने वाला है मैच नंबर 11 और मैच नंबर 12। मैच नंबर 11 की वीडियो अपलोड हो चुकी है, ये वाली जो वीडियो है मैं ये है मैच नंबर 12 जो कि सीएसके वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच में होना है। जो 11 मैच नंबर 11 है वो सनराइज़र हैदराबाद और आरसीबी के अगेंस्ट होना है, जो कि सनराइज़र हैदराबाद के होम ग्राउंड पर मैच है। तो वो वाली वीडियो जो है वो आपको देखनी है, अभी तक अपलोड हो चुकी है वाली, कल ही मैंने रात को अपलोड कर दी थी वाली वीडियो, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हो। बात करेंगे इस वाले मैच में सीएसके और राजस्थान रॉयल्स की, क्या हुआ है अभी तक, दोनों टीमों ने कैसा खेला है आपस में, और चिदंबरम स्टेडियम जो है ये चेपक, इसमें भी क्या हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं देने की कोशिश आपको करूँगा। तो शुरू करते हैं, एमए चिदंबरम स्टेडियम जिसको चेपक भी कहा जाता है वहाँ पर ये मैच होने वाला है। एक गढ़ है एक तरह से सीएसके का, यहाँ पर हराना बहुत बड़ी बात होती है सीएसके को, उनके होम पर हराना, तो कहीं ना कहीं राजस्थान रॉयल्स से करना चाहिए क्योंकि पहले दो मैच हार चुकी हैं और कोई भी टीम ऐसा नहीं चाहेगी कि वो तीसरा मैच भी हार जाए, और फिर थोड़ा सा टूर्नामेंट में भी दिक्कत हो सकती है अगर तीन मैच लगातार कोई टीम हार जाए, फिर उनको कहीं ना कहीं अपने 11 में से एटलीस्ट 7 तो जीतने होते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल वहाँ हो सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैच रहेगा ये राजस्थान रॉयल्स के लिए। वहीं अगर हम देखें सीएसके की तरफ से, तो पहला जो मैच था होम मैच जीते हैं आरसीबी के अगेंस्ट, फिर दिल्ली डेयरडेविल्स को उनके घर पर हराया, तो इससे अच्छी चीज़ अब एमएस धोनी और सीएसके के लिए हो नहीं सकती, कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा और अपने घर पर खेल रहे हैं, और सारे के सारे प्लेयर जो हैं एक्सपीरियंस हैं और एक दो प्लेयर्स जो हैं वो थोड़े से यंग भी हैं। अब बात करते हैं चिदम्बरम स्टेडियम में, देखो टोटल 50 मैचेज हो चुके हैं, 30 बार बैट फर्स्ट जीती है और 19 बार जो है वो बॉल फर्स्ट जीती है। यहाँ पर एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल अगर हम देखें तो 164 है, और एवरेज सेकेंड इनिंग टोटल यहाँ पर अगर देखें तो 151 रहा है, हाईएस्ट टोटल अगर हम बोले तो 246 है और लोएस्ट टोटल 112 यहां पे रहा है। अब आईपीएल में क्या हुआ था पहले मैच में एक बार वो भी देख लेते हैं। आरसीबी बैटिंग करने आई सबसे पहले, टॉस जीत करके एमएस धोनी ने पहले फील्डिंग का फैसला लिया था, जिसमें आरसीबी को उन्होंने बैटिंग करवाई, 70 पे ऑल आउट हो गई आरसीबी, जिसमें पार्थ पटेल एंड तक टिके हुए थे, 29 रन उन्होंने करे। मोइन अली सेकंड हाईएस्ट स्कोर थे 9 रन से इनके, हरभजन सिंह ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करी, इमरान ताहिर ने बॉलिंग बहुत अच्छी करी, जडेजा को 2 विकेटें मिली, हरभजन सिंह और ताहिर को 3-3 विकेटें मिली, और एक विकेट ली थी ड्वेन ब्रावो ने भी। तो ये इनकी रहे पहले मैच की परफॉर्मेंस आरसीबी, और अगर हम देखें बॉलिंग सीएसके की, फिर सीएसके बैटिंग करने आई, कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतें उनको भी हुई, अगर 120 तक स्कोर ये होता तो थोड़ा सा मैच तगड़ा बन सकता था, पर अगर हम देखें तो आराम से ही एक तरह से जीता सीएसके ने वाला मैच में। राइडू के 28 रन थे, रायना के 19 रन थे, चहल ने एक विकेट ली थी, मोइन अली ने और सिराज ने, तीनों ने एक विकेट ली थी। अब चलते हैं वेदर की तरफ, देखो वेदर क्लियर रहने वाला है, ज़्यादा चेन्नई में बारिश वारिश होती नहीं है, ह्यूमिडिटी अच्छी खासी होती है, 30 डिग्री शायद टेम्परेचर रहेगा आज, और ज़्यादा खैर बारिश तो उतनी कम वैसे होगी नहीं वहाँ पे, तो क्लियर रहने वाला है वेदर बिल्कुल। अब बात करते हैं 2018 में जब ये दोनों टीमें भिड़ी थी। देखो सबसे पहले लास्ट ईयर, अभी लास्ट वीडियो में मैंने बताया जो कि आईपीएल की पहली वीडियो थी, जब सीएसके का सिर्फ एक ही मैच हुआ था यहाँ इनके होम पर, जो कि चेपक है केकेआर और सीएसके वाला, जिसमें रसल ने बहुत अच्छी खासी पिटाई कर दी, पर केकेआर सीएसके जीत गई थी उस वाले मैच में। तो उसके बाद थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके बाद जो था सिक्योरिटी की वजह से ये जो चेपक था ये चेंज कर करके सीएसके का जो होम ग्राउंड था सेकंड होम बना दिया गया था, एमसीए स्टेडियम जो कि है पुणे में, तो महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन जो स्टेडियम था वहाँ पर ये मैच हुआ था। सीएसके ने 204 रन करे थे, जिसमें शेन वॉटसन के 106 रन थे, सुरेश रायना के 46 रन थे, ड्वेन ब्रावो के 24 थे, श्रेयस गोपाल ने 3 विकेट ली थी और बेन लॉफलिन ने यहाँ पर 2 विकेट ली थी। फिर जब बैटिंग करने आए राजस्थान रॉयल्स तो कुछ उनको पता नहीं चला, 140 पर ही ऑल आउट हो गए, जिसमें बेन स्टोक्स के 45 थे, बटलर के 22 थे, दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, ड्वेन ब्रावो ने 2 विकेट ली और करण शर्मा ने भी 2 विकेट ली थी, वॉटसन और ताहिर ने भी एक एक विकेट ले ली थी। अब बात करते हैं ये वाला जो मैच था, ये था सवाई मानसिंह स्टेडियम जो कि होम ग्राउंड है राजस्थान रॉयल्स का, तो इसमें सीएसके ने 176 रन करे, जिसमें 4 विकेट उनकी गिरी थी, जिसमें आप देख सकते हो रायना के 52 रन थे, वॉटसन के 39 थे, एमएस धोनी के 33 थे, आर्चर की 2 विकेट थी, सोढ़ी की 1 विकेट थी। फिर राजस्थान रॉयल्स बैटिंग करने ज़बरदस्त बैटिंग करी जॉश बटलर ने, स्टुअर्ट बिनी ने 22 रन करे, सैमसन ने 21 रन करे, विली भज्जी, जड्डू जडेजा जो हैं, ब्रावो और ठाकुर, इन्होंने एक एक विकेट ली थी, तो इन सबके सामने एक विकेट ली थी, पर फिर भी राजस्थान रॉयल्स इस वाले मैच को जीत गई थी लास्ट ओवर में। तो ये थी पिछले साल की कहानी जो इन दोनों टीमों ने मैचेस खेले आपस में उसमें। अब बात करते हैं हेड टू हेड, देखो हेड टू हेड में टोटल अगर हम देखें तो 20 मैचेस हो चुके हैं, जिसमें से 12 बार सीएसके जीती है और राजस्थान रॉयल्स भी 8 बार जीती है, और चेपक पर जैसे कि मैंने बोला इनको हराना बहुत मुश्किल होता है, और 6 में से 5 बार सीएसके जीती है और 1 बार राजस्थान रॉयल्स जीती है, जिसमें वॉटसन ने बहुत अच्छी बैटिंग करी थी मुझे अच्छी तरह से याद वाला मैच,
बात करते हैं इंपॉर्टेंट स्टैट्स की। देखो जब भी सीएसके और राजस्थान रॉयल्स का मैच होता है, वॉटसन कुछ अलग ही कर जाते हैं हर बार। अगर आप देखोगे पहले भी जब वॉटसन राजस्थान रॉयल्स में हुआ करते थे, बहुत पिटाई करते थे सीएसके की। तो मैं वही बता रहा हूँ आपको, टोटल 15 मैचेस उन्होंने खेले हैं इस फिक्चर में। एक बार राजस्थान रॉयल्स के भी मैं जोड़ दिए हैं और मैंने सीएसके वाले भी रन जोड़ दिए, तो 15 इनिंग्स इन्होंने टोटल खेली और उन 15 इनिंग में 657 रन हैं। आप देख सकते हो कितने रन उन्होंने बनाए हैं। और अगर हम राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट देखें लास्ट ईयर, क्योंकि सीएसके से वो जुड़ गए शेन वॉटसन, तो सिर्फ दो इनिंग्स ही लास्ट ईयर दो मैच हुए थे, तो दोनों इनिंग्स में उन्होंने 145 रन करे, जिसमें 72 का इनका एवरेज रहा, 106 रन इनका हाईएस्ट था, जो कि एमसीए स्टेडियम पे था, जो कि मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं सुरेश रैना की। देखो सुरेश रैना ने भी बहुत रन करे, 20 मैच खेले हैं, 20 इनिंग्स हैं, जिसमें लगभग 600 रन उन्होंने बना दिए, 30 के एवरेज से 98 इनका हाई स्कोर है। बस अब देखने वाली बात ये आ रही है, संजू सैमसन ने जो किया है वो थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है। 7 मैचेस हैं, 6 इनिंग्स हैं, 76 रन और 12 का एवरेज है सिर्फ, और 26 का है, मतलब संजू सैमसन को चलने नहीं देते सीएसके वाले। जैसे कि मैंने फर्स्ट मैच में आपको बताया था कि एबी डिविलियर्स को चलने नहीं दिया है सीएसके ने, वहीं कहीं ना ऐसा कुछ हो सकता है कि संजू सैमसन आज कुछ खास ना कर पाए, ऐसा हो सकता है। पर जो फॉर्म निकल के आ रही है, लास्ट मैच 100 बना के आ रहे हैं, भुवनेश्वर कुमार को जो उन्होंने एक लास्ट ओवर में लगभग सारी बॉलों पर कहीं ना कहीं स्ट्रोक्स अच्छे खेले, आई थिंक 4 चौके थे, 1 छक्का था और डबल था, बहुत ज़बरदस्त वो जो ओवर गया था, तो कहीं ना कहीं दिखते हैं हेड स्टिल रहता है इनका, बहुत सॉलिड प्लेयर है, शायद आज रन कर जाए। पर ये जो स्टैट्स था मेरे हिसाब से बताना जरूरी था, तभी मैंने इंपॉर्टेंट स्टैट्स के अंदर ये वाला सेक्शन रखा। अब प्लेइंग 11 की तरफ अगर हम चले, सीएसके की जो प्लेइंग 11 है उसमें मैं जल्दी से बताता हूँ। देखो वॉटसन राइडू, देखो वैसे तो कोई चेंज होगा नहीं, जो सेंटनर मोहित शर्मा मैंने लिखा है, मेरे हिसाब से नहीं चेंज होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि एमएस धोनी चेंज करते भी नहीं है, जब जीत रहे तो कोई चेंज करने की उनको जरूरत है नहीं। पर ऐसा हो सकता है मिचेल सैंटनर को मौका मिल सकता है, ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा हो सकता है, या फिर शार्दुल ठाकुर की जगह मोहित शर्मा को भी मौका मिल सकता है, बहुत कम चांसेस है, पर हो सकता है। प्लेइंग 11 वैसे भी हमें पता चल जाएगी टॉस के बाद, तो टीम हम एडिट करेंगे ही। तो ये इनकी प्लेइंग 11 रहने वाली जो सेम है, इसमें बताने की कोई जरूरत है नहीं, सबको पता है क्या सीएसके की प्लेइंग 11 है। राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ अगर हम देखें तो रहाणे बटलर, फिर संजू सैमसन ही नंबर 3 पर आएंगे अब तो कंफर्म है, फिर स्टीव स्मिथ नंबर 4 पर आएंगे, फिर बेन स्टोक्स हैं, राहुल त्रिपाठी हैं, कृष्णप्पा गौतम हैं, श्रेयस गोपाल के ऊपर नजर रखना, क्योंकि जो पिच है आपने देखा था पहले मैच में कितनी ज़्यादा स्पिन हो रही थी, तो स्पिनर्स एटलीस्ट हमको रखने पड़ेंगे अपनी टीम में, तो श्रेयस गोपाल जरूर अपनी टीम में रखेंगे। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो जोफ्रा आर्चर की जगह ऐसा हो सकता है ईस्ट सोडी को वो खिला दें, पिच को एक बार ज़रूर दोबारा से देखेंगे, और अगर कुछ स्पिन हुआ टॉस के बाद ईस्ट सोडी टीम के अंदर आते हैं तो समझ जाना कि ये पिच जो है वो फिर से बहुत ज़्यादा स्पिन होगी और आज दिक्कतें होंगी और थोड़ा सा लो स्कोरिंग मैच बनता हुआ नजर आएगा। जयदेव उनडकर और धवल कुलकर्णी, धवल कुलकर्णी की जगह ऐसा हो सकता है कि वरुण एरन को मौका मिल जाए, वरुण एरन को मौका मिल सकता है इस वाले मैच में, क्योंकि दोनों के दोनों, ना ही उनडकर ना ही धवल कुलकर्णी कुछ खास कर पाए हैं अभी तक। अब इंपॉर्टेंट प्लेस की तरफ चलते हैं, तो 6 इंपॉर्टेंट प्लेस निकाले हैं मैंने, जिसमें रायना है, बटलर है, वॉटसन तो सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर आप देख सकते हो संजू सैमसन है, राइडू है और इमरान ताहिर हैं। तो ये जो इनके 6 प्लेयर हैं मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ये 6 के 6 कोशिश करना अपनी टीम में रखना। अब ग्रैंड लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर मैं बात करूँ तो सैमसन भी यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देखो लास्ट मैच में 100 रन बनाया है उन्होंने, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट जरूर होंगे। ग्रैंड लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर मैं बात करूँ तो राइडू बहुत अच्छा ऑप्शन रहेंगे, 50% लोगों ने लिया है, स्टीव स्मिथ बहुत अच्छा ऑप्शन है, स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं, रविंद्र जडेजा कुछ भी कर सकते हैं, एमएस धोनी है और कृष्णप्पा गौतम है, मेरे हिसाब से ये 5 प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, और इन प्लेयर्स को ज़्यादा परसेंट लोगों ने लिया भी नहीं है, तो ये ग्रैंड लीग के बहुत अच्छे ऑप्शंस रह सकते हैं। अब चलते हैं सीधा ड्रीम 11 टीम की तरफ, उससे पहले टेलीग्राम चैनल पे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन सारी मैं देने की कोशिश करता हूँ जितनी हो सकती है मेरे हिसाब से, तो वो सारी चीज़ें देने की कोशिश करता हूँ। कल का दिन भी हमारा अच्छा गया था, जो भी टीम्स मैंने आपको लास्ट डे दी थी वो भी ठीक ठाक गई थी, तो आई होप कि आप थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रॉफिट कमा पाए होंगे, जो कि लॉस होगा कवर कर पाए होंगे। बाकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये वाली वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो टेलीग्राम पर भी दे चुका हूँ, यहाँ से भी देख सकते हो, RCB और सनराइज़र हैदराबाद का 4 बजे मैच होना, अच्छा खासा टाइम अभी बचा हुआ है, करीब 4 घंटे बचे हुए, तो वाली वीडियो मिस करना, 4 घंटे 14 मिनट रह चुके हैं, यहाँ पर आई बटन पे भी डाल दूंगा, आई बटन पे क्लिक करके ये वाली वीडियो देख सकते हो। अब चलते हैं सीएसके और राजस्थान रॉयल्स की जो मैंने टीम बनाई है उसमें क्या मैंने टीम बनाई है एक बार देख लेते हैं, तो एक बार एडिट करके मैं टीम बताता हूँ आपको क्या बनाई हुई है। देखो जॉश बटलर है, एक स्टैट्स निकल के आ रहा है कि लेग स्पिनर के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, 3 बार आउट कर चुके हैं इनको इमरान ताहिर, कहीं ना कहीं इमरान ताहिर तो नहीं बोलूंगा सॉरी राशिद खान ने 3 बार इनको आउट किया, लेग स्पिनर थोड़ी सी दिक्कत इनको करते हैं, पर एमएस धोनी हैं इनके आगे, देखने वाली बात होगी कि बटलर एक बहुत बड़ी इनिंग खेलेंगे नहीं खेलेंगे। देखो एमएस धोनी
से तो अच्छा प्लेयर कहीं ना कहीं आप ज़रूर लोगे, क्योंकि ओपन करने वाले हैं। एम एस धोनी भी अच्छे प्लेयर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर बटलर ओपन करेंगे, और जब भी कोई प्लेयर ओपन करता है ऐसा प्लेयर तो ज़बरदस्त प्लेयर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आँख बंद करके मेरे हिसाब से बटलर की तरफ जाना चाहिए। अब बाकी स्मॉल लीग की बात हो रही है, ग्रैंड लीग में आप ज़रूर ट्राई करोगे एम एस धोनी को। अब बात करते हैं चार बैट्समैन की, जिसमें शेन वॉटसन है, सुरेश रैना अगर और अंबाती रायडू को मैंने लिया, स्टीव स्मिथ को लेने का क्रेडिट इतने नहीं है, और नंबर चार पर वैसे भी वो खेलने आने वाले हैं। देखो संजू सैमसन अजिंक्य रहाणे, दोनों में से किसको लोगे ये देखने वाली बात होने वाली है। अगर मैं बात करूं स्टैट्स की, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाए थे, संजू सैमसन के स्टैट्स कुछ खास नहीं रहे हैं, सीएसके के हैं, सीएसके ने उनको आउट किया। ऐसा हो सकता है कि संजू सैमसन इस मैच में ना चलें और रहाणे कुछ खास कर दें, तो एक ये चेंज आप कर सकते हो, रहाणे को ले सकते हो, संजू सैमसन को हटा सकते हो, या फिर ऊपर से रायडू को हटा करके सैमसन भी रख सकते हो। तो ये देखने वाली बात होगी आपके पास, किसको आप लोगे, डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा। मेरे हिसाब से संजू सैमसन के साथ चले जाना चाहिए, जो फॉर्म दिखाई है ना उन्होंने दो मैच में तो अच्छी दिखाई है। स्टैट्स जो कहते हैं वो ठीक है, पर जो मैच होता है स्टैट्स बदलते हैं, ऑब्वियसली ये होता है। तो शायद इस मैच में संजू सैमसन एक बड़ी इनिंग फिर से दिखा सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी, थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना हुआ है, दोनों प्लेयर्स में से किसी एक को ले। मैं चाहता नहीं हूँ सीएसके के टॉप तीन छोड़ूँ, क्योंकि यही टॉप तीन ज़्यादातर रन करते हैं सीएसके में, तो कोशिश मैंने यही करी है। अब देखने वाली बात होगी इन दोनों में से किसको छोड़ते हैं। केदार जाधव एक ऑप्शन जरूर बचेगा, पर क्योंकि क्रेडिट बहुत हाई है इस वाले मैच में, क्योंकि जॉश बटलर को हमने रख लिया, तो फिर इतने ज़्यादा प्लेयर थोड़ा सा मुश्किल होगा लेना। अब तीन जो मैंने ऑलराउंडर लिए हैं, जिसमें बेन स्टोक्स कन्फर्म रहेंगे, हर बार रहते हैं, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं, ये प्लेयर बहुत ज़बरदस्त है, कभी भी कुछ भी कर सकता है, इसलिए छोड़ना नहीं है। देखो ड्वेन ब्रावो को रखा इसलिए है क्योंकि लास्ट के चार ओवर ये करेंगे, डेथ में बॉलिंग करेंगे, और जब भी कोई प्लेयर डेथ में बॉलिंग करेगा, चाहे वो कैसा भी बॉलर हो, ड्वेन ब्रावो तो बहुत अच्छे बॉलर हैं, वो विकेटें निकालेगा, क्योंकि प्लेयर्स रिस्क लेते हैं डेथ ओवर्स में, और फिर विकटे गिरने के चांसेस बहुत होते हैं, तो ड्वेन ब्रावो बहुत अच्छा ऑप्शन है। कृष्णप्पा गौतम इसलिए लिया, अभी तक कुछ परफॉर्म नहीं किया, थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं। स्पिनर ट्रैक है ये, जो स्पिन के लिए बहुत असिस्ट यहाँ पर मदद आपको जरूर मिलेगी स्पिनर को देखते हुए, तो लास्ट मैच में मैंने देखा था आरसीबी के अगेंस्ट क्या हुआ था, तो इसलिए कृष्णप्पा गौतम को ट्राई मैंने यहाँ पर करा हुआ है। देखो रविंद्र जडेजा की तरफ जा सकते हो, थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ जाएगा, फिर 7-4 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, बिल्कुल ही प्रेफर कर दो सीएसके और फिर राजस्थान रॉयल्स बिल्कुल ही हार जाएगी, ऐसा तो शायद ना हो, थोड़े बहुत फाइट जरूर दे सकती है, तो इसलिए जडेजा की जगह मैंने यहाँ पर लिया है कृष्णप्पा गौतम को, तो ये आप ट्राई कर सकते हो। तीन जो बॉलर जिसमें मैंने लिए हैं, देखो ऊपर से हम बॉलर नहीं ले सकते, इतने क्रेडिट नहीं बच रहे हैं, तो यहाँ से सिर्फ इमरान ताहिर को तो मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ, T20 क्रिकेट में लेग स्पिनर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से अगर बात करें श्रेयस गोपाल को मैंने लिया, लास्ट मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग इन्होंने करी थी, श्रेयस गोपाल बनते हैं और 8 क्रेडिट के भी हैं। और यहाँ से लिया हरभजन सिंह को, जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अभी तक, तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो हरभजन सिंह आपको यहाँ पर नजर आएंगे मेरी टीम में। तो ये तीन बॉलर मैंने लिए हुए, आप यहाँ से ऑप्शन अगर हम देखें तो दीपक चहर बहुत अच्छा ऑप्शन है, शुरू के 4 ओवर करवा देते हैं एम एस धोनी इनसे। देखो उन्होंने कुछ एम एस धोनी ने कुछ फिक्स किया हुआ है बॉलिंग कैसे करवाते हैं, दीपक चहर से शुरू के 4 ओवर करवा देंगे और ड्वेन ब्रावो से जो है वो लास्ट के 4 ओवर करवाएंगे, अपने उनके लास्ट का कोटा वो शुरू ही कहीं ना कहीं 14 ओवर के बाद करते हैं ड्वेन ब्रावो, 12वें ओवर में, 13वें, 14वें ओवर में, तो ये देखने वाली बात होती है, इनका प्लान है ये बहुत, और जो कि अभी तक तो सक्सेसफुल ही रहा है, तो ये कुछ कहानी रहेगी। अब नेक्स्ट कंटिन्यू करके कैप्टन वाइस कैप्टन करते हैं, तो रैना को मैं इस वाले मैच में कैप्टन कर रहा हूँ, बेन स्टोक्स को वाइस कैप्टन कर रहा हूँ, क्योंकि बॉलिंग भी करेंगे और बैटिंग भी करेंगे। देखो लास्ट मैच में इतनी बैटिंग आ नहीं पाई थी इनकी, तो इसलिए कुछ खास कर नहीं पाए थे, सैमसन नहीं और रहाणे नहीं, आधी गेम खाली थी, तो वही देखने वाली बात है। अब बाकी ऑप्शन अगर मैं बताऊँ तो वो भी प्रीव्यू में ऑप्शन मैं दिखाऊँगा, किसको आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। देखो यहाँ से ऑप्शन बहुत बड़ा ऑप्शन है बटलर का, इनको कैप्टन भी बना सकते हो। वॉटसन जो भी मैंने स्टैट्स आपको बताया, जब भी खेलते हैं बहुत तगड़ा खेलते हैं, दोनों टीमों के अगेंस्ट, चाहे वो राजस्थान रॉयल्स से खेल रहे हो सीएसके के अगेंस्ट, या फिर सीएसके से खेल रहे हो राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रह सकते हैं, वॉटसन को कैप्टन कर सकते हो। रायडू ने भी अभी तक कुछ खास नहीं करा पूरे टूर्नामेंट में, तो रायडू, तो ये तीन प्लेयर बहुत अच्छे ऑप्शन है। राजस्थान रॉयल्स से मैं बोलूँ बटलर हैं, संजू सैमसन के पास भी आप जा सकते हो, स्टोक्स तो हैं ही, नीचे से अगर एक बॉलर देख रहे हो तो इमरान ताहिर की तरफ जा सकते हो, बहुत अच्छा ऑप्शन रह सकता है। तो इतना था इस वीडियो में, होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक बटन दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। टेलीग्राम पे मिलेंगे आरसीबी वाले मैच में, फिर उसके बाद करीब करीब 7:30 बजे मिलेंगे इस वाले मैच में, जो कि है सीएसके और राजस्थान रॉयल्स का। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।